इलोन मस्क की कोई लक नहीं थी, कोई लक बाई चांस नहीं हो गया, उनको फॉर ग्रांटेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं किसी ने दे दिए। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा है, आज बना लेते हैं वीडियो, कोई मुश्किल तो नहीं है, आज बात करते हैं, लेट्स डू दिस। गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और इसमें मैं कोई अपनी इन्वेस्टमेंट शेयर नहीं कर रहा हूँ, इलोन मस्क के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। इलोन मस्क ने किस तरह मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए, उनकी क्या स्ट्रगल थी, टेस्ला, स्पेसएक्स, इज इट अ फर्स्ट बिजनेस बाय इलोन मस्क? नहीं, इलोन मस्क ने उससे पहले भी कंपनी स्टार्ट की थी। उनकी क्या स्ट्रगल थी लाइफ में सक्सेसफुल होने में, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक शेयर करें। आपके कुछ क्वेश्चन हैं, कमेंट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रिटन बाय एशली वेंस और स्टिल दिस इज़ द न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर बुक। तो बात करते हैं इसके ऊपर, लेकिन एक मिनट नाउ वी कैन स्टार्ट। इलोन मस्क बेसिकली साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे, साउथ अफ्रीका में ही इनके पैदाइश हुई 1971 में। उसके बाद ये चाइल्डहुड में जब ये छोटे थे तो इनको टेक्नोलॉजी में, स्पेसशिप में, एरोडायनामिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था और टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर्स में। तो 12 साल की उम्र में इन्होंने एक गेम बनाई जिसका नाम था ब्लास्टर और वो गेम बड़ी पॉपुलर हुई। ठीक है, उस टाइम एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 12 साल हो, उसने गेम बनाई और वो गेम इतनी पॉपुलर हो गई, लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया। अच्छा, उसके बाद उनको अपना इंटरेस्ट पता चलना शुरू हो गया कि उनका इंटरेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी में है, एरोडायनामिक्स में है। और साउथ अफ्रीका में उस टाइम में इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो जो भी चेंज लाना चाहते थे, जो भी काम करना चाहते थे, जो भी स्टडीज़ करना चाहते थे, यूनिवर्सिटीज़ में उस लेवल के डिग्रीज़ और कोर्सेज नहीं पढ़ाए जा रहे थे। तो जिस तरह वो बड़े हो रहे थे तो उनको आइडिया हो रहा था कि जो उनका इंटरेस्ट था उसमें काम करने के लिए उनको अमेरिका जाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले वो कनाडा गए, कनाडा से फिर वो अमेरिका चले गए। अमेरिका पे उन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिए और अपनी स्टडीज़ उन्होंने जारी रखी। इलोन मस्क के बारे में लोग कहते हैं कि जब ये छोटे थे बच्चे इनके साथ खेलते नहीं थे, ठीक है, क्योंकि इनका माइंड डिफरेंट तरीके से चलता था। तो इसी तरीके से इलोन मस्क के पेरेंट्स बताते हैं कि जब हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते थे तो इलोन गुम हो जाते थे, तो जब वो उनको ढूंढते थे तो वो एक लाइब्रेरी में बैठ के बुक रीडिंग कर रहे होते थे। ठीक है, तो बुक्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हर इंसान की ज़िंदगी में। जितने भी बड़े लोग हैं, मैं कोई बहुत फिलोसोफर नहीं हूँ, कोई ऐसी बड़ी बातें नहीं करना चाहता आपके साथ, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बुक्स जो है वो हमेशा आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं, आपको सोचने पे मजबूर करती हैं। जितने भी ये बड़े लोग हैं उन्होंने रीडिंग बहुत ज़्यादा की होती है। ठीक है, रीडिंग करने से उनको नए आइडियाज़ मिलते हैं, नए कॉन्सेप्ट मिलते हैं, उसके बाद वो मुख्तलिफ आइडियाज़ को मर्ज करके कोई प्रोडक्ट, कोई बिज़नेस वो सोच लेते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं और इस तरह वो आगे बढ़ते रहते हैं, नई चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। इलोन मस्क को बहुत सारे लोग पेपाल के हवाले से जानते हैं, स्पेसएक्स के, टेस्ला के हवाले से जानते हैं, बट दिस इज़ नॉट इलोन मस्क फर्स्ट कंपनी। मैं बताता हूँ, इलोन मस्क की जो पहली कंपनी थी उसका नाम था Zip2। ठीक है, वो उन्होंने बेसिकली एक बिजनेस के लिए डायरेक्टरी बनाई थी 1995 में। 1995 में उन्होंने जितने भी लोकल बिजनेसेस थे उनके उनको उन्होंने एक ऑनलाइन डायरेक्टरी में उनके बिजनेसेस को डाल दिया था। उसके लिए उनको टीम चाहिए थी सेल्स के लिए और उनको बड़ा हार्ड किस्म का काम करना पड़ा था। उस टाइम लोग टेक्नोलॉजी के इतने ईजीली अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद इलोन मस्क ने उस बिज़नेस डायरेक्टरी को एक ऑनलाइन मैप के साथ इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, ये 1995 की बात बता रहा हूँ आपको। ठीक, जब के इतना इंटरनेट आम नहीं था, इतना आम कॉन्सेप्ट नहीं था, गूगल मैप हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, आप अंदाज़ा करें कि 1995 में इलोन मस्क ने इंटीग्रेशन की थी अपनी बिज़नेस डायरेक्टरी की मैप के साथ। फ़ंड रेजिंग की, बड़े लोगों के पास गए, इन्वेस्टर्स के पास गए, उनको अपना आइडिया बताया, उन्होंने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया और फाइनली 1999 में इलोन मस्क ने Zip2 को सेल कर दिया। एक PC मेकर कंपनी थी जिसका नाम था कॉम्पैक, उनके प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल आजकल भी चलती हैं। 307 मिलियन की Zip2 कंपनी इलोन मस्क ने उनको सेल की थी। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट कंपनी स्टार्टेड बाय इलोन मस्क और उनके जो भाई थे, उनके भाई का नाम था किम्बल।
ठीक है। इसके बाद जब उन्होंने 1999 में ये कंपनी सेल कर दी, उसके बाद उन्होंने एक और नई कंपनी बनाई जिसमें उन्होंने वो अपने पैसे इन्वेस्ट किए, और सेकंड कंपनी उन्होंने बनाई 1999 में जिसका नाम था x.com, ठीक है। वो बेसिकली आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और पेमेंट सेंड भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको बैंक्स की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो ये काम कर रहे थे उनको बड़ी मुश्किलें पेश आई, उनको इंजीनियर्स और उस टाइम गवर्नमेंट के हवाले से, बैंक्स के हवाले से कहीं से भी उनको किसी भी तरह की कोई सपोर्ट नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनको अपने आप पे यकीन था और उनको पता था कि उनको ये काम करने के लिए बेस्ट टीम चाहिए, उन्होंने मार्केट में जो अच्छे इंजीनियर थे उनके इंटरव्यूज़ किए और अच्छे इंजीनियर्स को अपनी कंपनी में हायर किया। और उसके बाद जैसे उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की तो इंस्टेंटली 200,000 लोगों ने इनकी नई प्रोडक्ट को ज्वाइन कर लिया ऑनलाइन पैसे सेंड और रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे x.com बड़ी पॉपुलर हो रही थी, लेकिन इनके साथ एक और भी कंपेटिटर थी, इनके साथ उनका कंपटीशन हो गया, दोनों कंपनी ने मिल के एक कंपनी बनाई जिसका नाम है PayPal, ठीक है। तो इस तरह PayPal जो है वो बनी। फिर दोनों कंपनीज के जो इंजीनियर्स थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, वो दोनों को कंबाइन किया गया, कुछ लोगों को फारिग भी किया गया। ईबे एक कंपनी है बड़ी मशहूर, आपको पता है ऑनलाइन लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं ईबे पे। ईबे जो है वो पेपाल बाई करना चाहता था, तो ईबे ने काफ़ी ऑफर्स की, इलोन मस्क वॉज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इलोन मस्क ने, उसके बाद फाइनली एक ऑफ़र आई 2001 में ईबे की तरफ से, ईबे ने 1.5 बिलियन ऑफ़र किया पेपाल के लिए और इलोन ने उस टाइम वो ऑफ़र एक्सेप्ट की, ठीक है। 2001 की बात आपको बता रहा हूँ जब ईबे ने पेपाल को ख़रीदा 1.5 बिलियन में। ये जितनी भी आपके साथ मैंने स्टोरी शेयर की है ना, इलोन मस्क की कोई लक नहीं थी, कोई लक बाई चांस नहीं हो गया, उनको फॉर ग्रांटेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं किसी ने दे दिए। वो 20-20 घंटे अपनी कंपनी में बैठ के काम करते थे, ठीक है, 22-22 घंटे उन्होंने काम किया नॉन स्टॉप, उनके एम्प्लॉयज़ को वीकेंड पे काम करना पड़ता था, तो इस तरह पूरी एक टीम एफर्ट होती थी जिसकी वजह से वो जो उनका विजन था वो करने में वो कामयाब हुए, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपने कोई भी अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, ठीक है, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो छोटे लेवल पे बिज़नेस कर रहे हैं या जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और जो बड़े लेवल पे बिज़नेस कर रहे हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी टीम, ठीक है। इलोन को इसके बारे में पता था, तो इलोन मस्क हमेशा जो है वो अपनी टीम चूज़ करने में बड़े स्पेसिफिक रहते थे, वो टैलेंटेड और मार्केट में जो बेहतरीन टैलेंट होता था उसको वो उठाते थे। बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं SpaceX, इसके बाद उन्होंने SpaceX का बिज़नेस स्टार्ट किया, टेस्ला भी उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो आप इसको थम्स अप करें। आप चाहते हैं कि मैं एक सीरीज़ बनाऊँ एपिसोड वाइज, जिसमें हम एपिसोड वाइज एक बुक को डिस्कस करें, उसके की पॉइंट्स को डिस्कस करें। आप चाहते हैं एक बुक जो है उसकी मैं एक ही वीडियो बनाऊं, एक लंबी वीडियो बना दूं समरी टाइप आपके लिए, वो कर सकते हैं, वो आप बता दें, आपके कम से कम टाइम में मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं जिससे आपको फ़ायदा हो। आपको किसी चीज़ से मदद मिलती है, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, अगर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लोगों को फ़ायदा देंगे, एक दिन आपको भी ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मैं अभी 147 पेजेस मैंने इसके पढ़े हैं, बाकी मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ, अभी मैं ऑफिस से आ गया हूँ, 7 दिन है मेरे पास, 7 दिनों में मैंने ये बुक ख़त्म करनी है, ठीक है। और आज मेरे ख्याल तीसरा दिन है और मेरे पास पीछे रह गए हैं 4 दिन, 4 दिन में मैंने ये बुक ख़त्म करनी है, और इसमें उसके बाद जो और अच्छे पॉइंट्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अनटिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।